हेलो दोस्तों, बोले तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एनवी गेमिंग चैनल पर। इंग्लिश में बोले तो वेलकम बैक टू द एनवी गेमिंग चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से फ्रैंकलिन, माइकल और कौन था वो तीसरा यार, ट्रेवर, तीनों ने मिलकर क्लब के अंदर एक प्लानिंग की थी। मतलब कि बैंक पर नजर रखे हुए थे और एक हेलीकॉप्टर भी चुराया था और एंट्री का मार्ग सोचा था। मतलब बोले तो क्या बोले यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, एंट्री का रास्ता खोजा था। तो अभी उस मिशन को कैसे आगे बढ़ाना है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आगे आगे क्या होगा वो मैं नहीं जानता। तो फिलहाल तो हमें माइकल का मिशन दिखा रहा है, तो वहाँ पर मार्क करके जाते हैं। आई होप कि ये वही मिशन हो, क्योंकि इस गेम की एक ही बात जो मुझे नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे ही हमने कोई, मतलब कि यही देख लो आप, हमने कल प्लानिंग की पिछले वीडियो में कि हमने बैंक पर नज़र रखी और एंट्री का मार्क, मतलब कि अरे यार मैं मार्क क्यों बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा हिंदी हो रही है, एंट्री का रास्ता हमने निकाला खोज कर, बराबर। अभी यहाँ पर ये देख लो, आप समझ नहीं पाओगे कि वही मिशन कौन सा है इनमें से, ये वो क्वेश्चन मार्क है या वो एन लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क है या एम वाला है। मतलब कि एक मिशन हमने स्टार्ट कर दिया, पूरा नहीं किया, स्टार्ट कर दिया, उसके बाद दो तीन बीच में ऐसे मिशन आएंगे जो उससे रिलेट ही नहीं करते, और तीसरा, चौथा और पांचवा अचानक से ऐसा मिशन आ जाएगा जो कि पहले मिशन से रिलेट करता होगा, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप जो कि हमारी ऑडियंस बहुत ही समझदार है, तो आई होप कि आप लोग समझ जाओगे वीडियो देखकर कि भाई ये कहां पर रिलेट हो रहा है, क्योंकि खेलते वक्त, रिकॉर्ड करते वक्त शायद मैं ध्यान में ना रख पाऊँ, मेरे से बोलने में चूक हो जाए, लेकिन एडिटिंग करते वक्त मुझे समझ आ जाता है कि ये क्या हुआ और क्या था। लेकिन आप लोग देखते देखते जरूर समझ जाओगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो हम एम पर मार्क कर देते और अपनी कार लेकर चलते हैं वहां पर। बस आई होप कि ये वही मिशन हो। ओके चलो। और एक और बात, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया मैंने इंस्टॉल कर लिया। पहले से नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला। लेकिन जैसा कि अर्ली एक्सेस और बीटा वर्जन है जो कि एक टेस्टिंग के तौर पर रिलीज की गई है गेम, तो उसमें बहुत सारी ग्लिचिस है। मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि गेम इंस्टॉल होते ही पहली जो अंदर बग या ग्लिच कह सकते हो कि मैंने अपना सारा नेट यूज़ करके सारे के सारे मैप्स डाउनलोड किए मैंने उस गेम के, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ फिरेंगल ही खेल पा रहा हूँ। मतलब कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, क्योंकि ओनली इरेंगल ही ओपन होता है मेरे मोबाइल में और कोई मैप आता ही नहीं है। NAN परसेंटेज करके कुछ लिखा हुआ आ जाता है, वो भी मैं आपको बता ही दूंगा, एक वीडियो में बना रहा हूँ, जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट हो जाता है आपको अंदर पता चल जाएगा कि गेम में क्या चल रहा है और क्या नहीं। जैसे ही ओरिजिनल गेम लॉन्च हो जाती है फिर भाई अपना जलसा है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गेम में। लेकिन ये बीटा वर्जन है तो हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ खामियां रहेगी, इसीलिए गेम लॉन्च की है ताकि हम खेल कर पता पाए कि भाई ये दिक्कत है या ये नहीं है। तो खैर उसको छोड़ो, फिलहाल तो इस मिशन के बारे में सोचते कि क्या होना चाहिए। चलो अंदर घुसते हैं। और कौन है भाई हमारे घर के अंदर? ओके, तो माइकल बाबू थक कर आराम करने बैठ गए सोफे पर। बूट तो बाहर निकाल देते भाई। नहीं भाई साहब बहुत अमीर है। ओके ट्रेवर भी यहीं पर है। और ऐसा दिख रहा है कि भाई माइकल बाउ ट्रेवर से थोड़ा सा पक चुके हैं और ट्रेवर इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता। ओके तो ट्रेवर बाउ बहुत ही गुस्सा होकर यहाँ से चले गए हैं। माइकल बाउ पीछे गए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुनने के लिए राजी होंगे किसी का। और ये क्या भाई, ट्रेवर बाउ तो इतने गुस्से में है कि अपुन की कार लेकर चले गए और ये एक लड़की को भी उड़ा दिया। अरे मैं माफी चाहता हूँ। हो बहन जी एक सेकेंड। अरे भाई कोई बात नहीं, हमने ट्रेवर को कॉल भी लगाया लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उठाएगा, क्योंकि जिस गुस्से से वो निकला। अरे भाई उठा कर भी ट्रेवर भाव को शांति नहीं है। अभी हमें ट्रेवर भाव को ढूंढना पड़ेगा। एक सेकेंड, हमें मैप पर कोई मार्क दिख रहा है और मुझे लगता है कि ट्रेवर वहीं पर जा रहा है, तो हमें जल्दी से कोई कार का इंतजाम करना पड़ेगा और कोई अच्छी सी कार। ये रुक जा रुक जा रुक जा,
अरे तेरी तो ऐसी कि तैसी मैं बोल रहा हूँ, शांति से रुकने को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक सेकेंड। अरे यार ये बैक टू बैक कॉल क्यों लग रहा है? स्पेशल एजेंट नॉर्टन। शिट। डेवी। शिट, ही नोज। आई थिंक ही नोज। व्हाट? हू? थिंक। शिट। व्हाट द शिट? हाउ? आई डोंट नो हाउ। ही यूज्ड हिज हेड। बट डज ही नो? डज ही नो इट ऑल? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicion. Okay, तो जहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ये लोग ट्रेवर की बात कर रहे हैं। ट्रेवर को कुछ ऐसा पता चल चुका है इन दोनों के बारे में जो कि वो नहीं, उसे नहीं जानना चाहिए था। तो अभी ये दोनों कुछ तो कर रहे हैं उसके खिलाफ। शांति रख बे, इम्पोर्टेंट कॉल चल रहा है तेरे को। मैं ऐसी की तैसी, नहीं नहीं इसको गन दिखाई तो ये भाग जाएगा। पहले गाड़ी छीन लेते हैं। चल उतर, बहुत साणा बनता है मेरे सामने। सीधा घर जाने का, समझा क्या? ठीक है भाई। अरे भाई रेडियो बंद कर दो। ओके तो हमें अपनी डेस्टिनेशन पर चलना है, जल्दी से वहां पर चलते हैं। और मैं बोल रहा था कि अभी अभी डेव और माइकल के बीच बात हुई कि वो सब कुछ जानता है, मतलब कि ट्रेवर के बारे में शायद से बात कर रहे होंगे ये दोनों, कि उसे कुछ तो ऐसा पता चला है जो कि उसे नहीं जानना चाहिए था। अरे भाई बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इस कार की। और भाई ये ब्लैक वाली अच्छी तो लग रही है। यहाँ पर तो भाई कार ही कार पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी कार को लेकर चले जाते हैं हम जल्दी से अपने मार्ग पर। अरे बीच में नहीं, समझदार लगता था। अरे यार जगह तो दे दो कम से कम। देता कौन है इन लोगों को लाइसेंस यार, इनको तो वैक्सीन भी नहीं मिलनी चाहिए। औकात मेरे। इस तरह से कार को रोककर खड़े होते हैं ये। अरे क्या ड्रिफ्ट थी भाई, ये बंदा नहीं होता तो कसम से। अरे यार ओके कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ इतना कम हमें घूमना पड़ेगा। ये ड्रिफ्ट अच्छा थी। अरे ये ड्रिफ्ट अच्छी थी। अच्छा थी क्या यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके गो टू सेकंड लेवल टर्मिनल एंट्रेंस। तो हमें अंदर जाना है क्या गाड़ी पार्क करके? अंदर किधर से जाने का? ओके यहाँ से। और अगर यहाँ पर चेकिंग हुई तो गन तो अंदर हम नहीं ले जाओ। अरे यहाँ पर मार्क दिखा रहा है, इसका मतलब कि हमें ऊपर जाना है शायद से। यस तो अभी ऊपर किधर से जाने का? कार तो हमने नीचे पार्क कर दी, ऊपर किधर से? ओके शायद से वहाँ पर, यहाँ से एंट्री है क्या? ओके ओके यहाँ से एंट्री है, ऊपर चलते हैं उसके बाद पता चलेगा। ओके चलो यहाँ पर हमें आना है। कौन सी लैंग्वेज है भाई ये? और यहाँ पर माइकल बाबू प्लेन के अंदर बैठ चुके, जा कहाँ पर रहा है ये? प्लेन टेक ऑफ भी कर लिया भाई, पता भी नहीं चला, बहुत ही क्विक सर्विस है। ओके तो हमें कोई सी तो सिमेट्री चलना है। और ये भाई ऐसी आवाज क्यों आ रही जैसे कि हम सपने में किसी को सुन रहे हैं? और जहाँ तक मुझे लगता है ये वही सिमेट्री होगी जो कि गेम के स्टार्टिंग में आई थी। आपको याद हो तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी जब GTA स्टार्ट होती है, और एक सिमेट्री में से चलकर हम भागे थे। तो हो सकता है कि ये वही सिमेट्री हो, यहाँ पर कुछ तो लिंक हो। लेकिन ये आवाज़ भाई, ऐसी आवाज़ सुनकर तो कसम से नींद आ जाएगी। Maybe we are home free. It's over. This is fucked, man.
Everything is done. और हम पहुंच चुके हैं योर ग्रेव। हाँ, ये वही सिमेट्री मैंने बताया था आपको, जो कि स्टार्टिंग में सब लोगों को लगता है कि माइकल मर चुका है, लेकिन हम वहाँ से एस्केप कर चुके थे। यहीं पर हम लड़े थे पुलिस वालों से, तो अभी हमें अपनी ग्रेव के पास जाना है। मतलब कि कैसा कह सकते हैं कि एक अजीब सी सिचुएशन है कि बंदा अपनी ग्रेव के पास जा रहा है। सोचो, दुनिया के लिए ये बंदा मर चुका है, लेकिन टेक्निकली ये अभी भी जिंदा है। तो जल्दी से चलते हैं माइकल की ग्रेव के। और ये क्या भाई, यहाँ पर तो खुदाई चल रही है, और ये तो ट्रेवर है, यहाँ पर क्या कर रहा है ये? Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time. कर क्या रहा है ये यहाँ पर? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey? Huh? When's it gonna stop? What happens in the dark comes out in the light. I'll give it a rest, Trevor. There's nothing there. This is it. Moment of truth. Okay, तो मुझे ये लग रहा है कि माइकल और डेव ने किसी को मारकर यहाँ पर दफना दिया था, जिसे लोग माइकल समझ रहे थे। हो सकता है। यस, सही सोचा था मैंने। और ये बात ट्रेवर जान चुका है, इसीलिए ट्रेवर बहुत ही गुस्से में है। बट ये कौन है ये मुझे नहीं पता है, शायद ये ट्रेवर का कुछ लगता हो। With Brad in the can and me in the ground, or both of us in the coffin. Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot. I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. मुझे इतना इंग्लिश नहीं आता कि जल्दी-जल्दी मैं समझ पाऊँ। अगर आप लोगों को आता है तो प्लीज समझ लेना ये लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको हिंदी में बता दूँगा। He did die. You reptilian motherfucker. और भाई ये क्या सीन चल रहा है भाई? तो दोस्त बने एक दूसरे की जान के दुश्मन। ब्रेकिंग न्यूज़। ये बंदा कौन है? इसी की वजह से आज ट्रेवर ने हम पर गन उठाई है। कोई ना कोई तो हो सकता है ये बंदा ट्रेवर का कोई हो सकता है, या फिर इनकी टीम में से कोई हो सकता है शायद। और ये कौन है भाई? डेव आ चुका है क्या? ओके, चलो यहाँ पर ट्रेवर हमारा दुश्मन हो चुका है, जब तक कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व नहीं हो जाती या फिर जो भी हो। लेकिन अभी ट्रेवर हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं है। और ओके, ये इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए? एक सेकंड रुक जा भाई, रुक जा, इतनी जल्दी काई को। अरे ओके, हमारे पास सिर्फ सिंगल पिस्तल ही है। रुक 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 रुक, ये ले चल। अरे रुक जा भाई, रुक जा, इतनी जल्दी काई को तेरे को। चलो
खड़ा हो जा। दो दो बंदे लड़ेंगे। गन की कमी है दोस्तों, बाकी सब कुछ। अरे यहाँ पर चल आ जा। डरता है क्या मैं? उस तरफ से भागने की ट्राई करते हैं, हो सकता है कि कुछ हो। ए नहीं नहीं नहीं, रिलोड के बीच नहीं, रिलोड के बीच नहीं आने का। अभी भी नहीं मरा तू, टकलेस साले, तू भी नहीं मरा, तेरी ऐसी की तैसी। ये ले, चल खड़ा हो जा जल्दी से। ये ले, तू भी ले, और ये ले। चलो ये भी गया। और भी दो बंदे, ओके इनकी कार आ रही है भाई। कितने बंदे हैं भाई ये लोग। ओके जल्दी से ट्रेन का फायदा उठाकर मैं भाग सकता हूँ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो फाइनली हम कार के अंदर पहुंच चुके हैं, अभी हम यहाँ से निकलेंगे। चालू हो जा भाई। नहीं ट्रेवर ने कार के, ओके ट्रेवर ने कार के अंदर खुश होकर दिया कि हम कार चालू नहीं कर पाए और फाइनली हम अभी गिरफ्तार हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ट्रेवर। अब पता नहीं यहाँ पर माइकल कौन सी चाल चलेगा या फिर गिरफ्तार हो जाएगा, मुझे नहीं पता। हो गया क्या गिरफ्तार? और ट्रेवर भाई निकल लिए। ओके तो अभी हम ट्रेवर भाव के कैरेक्टर में हैं और ये प्लेन उड़ाकर एयरफील्ड पर पहुंचना है हमें। किसका कॉल है भाई? मिस्टर फिलिप्स, दिस इज वेई चेंग फ्रॉम मेकिंग इनरोड्स। ऐसा तो क्या हो गया भाई कि प्लानिंग के बाद अचानक से इन दोनों के बीच गड़बड़ चालू हो गई? लेकिन नहीं, हम समझ सकते हैं भाई, उस लास्ट के बीच कोई तो कनेक्शन है कि ट्रेवर भाव मतलब कि गन ताने खड़े हो गए माइकल के सामने। यू लिव इन योर ट्रेलर टुगेदर विद द मेड एंड देन यू वर अलोंग इन दैट बिग हाउस। अरे रुक जा। चलो तो प्लेन को हमने वेयरहाउस के अंदर पहुंचा दिया है। ये देखो मतलब कि आपने देखा कहाँ हम प्लानिंग कर रहे थे, उसके बाद कहाँ इन दोनों का झगड़ा हो चुका, माइकल शायद से गिरफ्तार हो चुका और अभी कोई डेविन का ही मिशन आ रहा है। मतलब कि ये कोई लिंक ही नहीं, रिलेट ही नहीं कर रहे मिशन एक दूसरे से। हाँ गेम रिलेट कर रही है, मतलब कि मिशन एक दूसरे से स्टोरी में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हैं और हमें चलना है यहाँ पर जो कि बहुत ही दूर है, तो हम टैक्सी लेकर, नहीं लमार का कॉल है भाई, लमार, ओके लमार ने बोला था कि ये कार शायद से चोरी करनी है क्योंकि उसका मैसेज को पढ़कर ऐसा लग रहा था कि कोई तो कार। चलो एक काम करते हैं, डेविन का मिशन अगले वीडियो में रखेंगे, फिलहाल तो हम जो दो छोटे मिशंस दिख रहे हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। और याद रखना भाई, पहले हमने एक प्लानिंग कर रखी है जिस पर अभी अमल करना बाकी है, और ट्रेवर और माइकल का झगड़ा अलग चल रहा है और ये डेविन का तीसरा मिशन, लेकिन उसको हम साइड में रखकर अभी दो छोटे मिशन कर रहे हैं, तो याद रखना क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी याद रखने में यार इतना सारा। अब टैक्सी किधर आएगी? चलो रोड पर खड़े रहते हैं ताकि टैक्सी वाले को भी परेशानी ना हो हमें ढूंढने में। यहाँ पर आई थिंक ये रही, चलो आ गई।
अरे रुक जा, मैंने ही बुलाई थी, रुक जा रुक जा। अरे किधर भाव, दिखता नहीं है क्या किधर, मतलब कि कुछ भी। एक्स्ट्रा पे करके पहुंचा दो हमें, बस पहुंचा दो जल्दी से। चलो $77 कट के पहुंच चुके। और ये तो वही वाला घर है ना जहां पर हमने सेलिब्रिटी आइटम चुराई थी शायद। इतनी आगता स्वागता क्यों हो रही है भाई हमारी। कौन है ये बंदा, किसको पता है कि ये इसका घर है क्या नहीं है, मतलब कि किसी और का घर किसी और को चिपकाया जा रहा हो। नहीं सुनना इसका, करना क्या है ये बोल तू। फाइंड एंड डिस्ट्रॉय ऑल द लेनिवर्स फॉर सेल साइंस दैट आर लोकेटेड अराउंड द सिटी। अरे भाई कहना क्या चाहते हो। अरे कहना क्या चाहते हो। A few inches later. अरे यार नहीं नहीं नहीं, क्या बोलूं अब मैं। By the way, buddy, every has a website with all his real estate around the city. You might find it useful. Okay, तो ये जो जोश नाम का बंदा है उसने हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये जिस जो भी वेबसाइट पर जिसकी भी प्रॉपर्टी है वो सारी हमें डिस्ट्रॉय करनी है, तो देख लेंगे बाद में। पेट्रिसिया भाई, ट्रेवर भाव की गर्लफ्रेंड का कॉल। मिसेस मद्राजो, ट्रेवर, ओह आई मिस यू, ऑल यू बॉयज। मिस यू टू, आई कैन स्पीक फॉर द अदर बॉयज। यू आर सच गुड फ्रेंड्स। इट्स अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। एक्चुअली माइकल एंड आई नॉट स्पीकिंग। ओल्ड फ्रेंडशिप्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ये बहुत ही सही बात बोली है पेट्रिसिया ने भाई। ओल्ड फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये बात एकदम दिल को छू गई। चलो अच्छी बात है, ट्रेवर के जीवन में ऐसी कोई लड़की होनी चाहिए जो उसे समझा सके सही और गलत। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जो माइकल के साथ उसने किया है वो गलत तो है। और यहाँ पर ओके, बोलो अंकल जी आपको क्या दिक्कत है अब। कोई तो पार्सल दिया है अंकल जी को। स्किप करो भाई, इन लोगों की बातें नहीं सुननी। ओके इसके साथ जाना है क्या। अरे भाई बैठ रहा हूँ। अरे नहीं, मुझे लगा रेडियो चालू है। ओके तो हमें उस कार का पीछा करना है, समझ गया। Conservative at the border, Mrs. Bonham. I love this country. Find out! What on earth will we feed the man? I hadn't even thought of that. You probably eat sushi or quinoa. Is that even how you say it? What if he wants meth? Maybe I should have driven. Don't get flustered again, Nigel. You'll have another turn. Glad to see you. Find out! He's going into the car park. The car park? No worries, mate. Oh, I hope he likes it. बस कोई बीच में नहीं आना चाहिए। बीच में नहीं आओ। बीच में नहीं। My prostate has taken quite a beating. Do you have to lower the tone? This must be second nature to you, Jock. All those stunts you used to do. अरे नहीं 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 नहीं। चलो अच्छा है, टर्न एकदम क्विक हो चुका है, लेकिन उसे खोना नहीं है किसी भी हाल में। हमें पीछा करना है उसका।
पता नहीं ये बुढ़ाव किसके पीछे लगा है, लेकिन यार बंदा तो काफी तगड़ा है जिस तरीके से। ये कहां पर घुसा रहा है भाई, ऐसे कैसे उसने गाड़ी यहां से निकाल ली। मैं गाड़ी की कंपनी वालों को पूछना चाहूंगा कि ऐसे कैसे गाड़ी यहां से निकल ली। ओ भाई ये तो दूसरा माला था, मुझे लगा कि ग्राउंड फ्लोर है भाई। नहीं 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 खड़ी हो जा, खड़ी 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 खड़ी, चल 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 जल्दी। चलो फाइनली गाड़ी खड़ी हो गई। चलो इन दोनों की बातें नहीं सुननी। मिशन पास क्या? ओके चलो पास हो चुका है, जो भी हो इस गाड़ी के साथ वो बुढ़ाव देख लेगा अपने आप। चलो डेविन को रखते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो शायद से मैं बैटल ग्राउंड का डालूं जैसे ही रेडी हो जाता है वीडियो, मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इरेंगल के अलावा मैप ही नहीं खुल रहा है तो मैं क्या करूं, लेकिन कोई बात नहीं। इरेंगल तो इरेंगल भाई, इमोशन जुड़ा है उस गेम के साथ, इरेंगल के साथ एक इमोशन जुड़ा है तो वो गेम पक्का खेलेंगे हम लोग। ओके लाइव स्ट्रीम का मैंने टेस्टिंग किया था, एक दिक्कत हो रही है, वो मैंने फ़ोन से स्ट्रीम किया था, फ़ोन से मैं जैसा चाहता हूँ वैसा स्ट्रीम हो नहीं रहा है। अभी पीसी या लैपटॉप से हम स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास अभी वेब कैम नहीं है। मैं ये जो फेस कैम कर रहा हूँ वो अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करके। अब जब मोबाइल में मैं गेम खेलूँगा तो मेरे पास फेस कैम के लिए कोई चीज़ नहीं रहेगी अभी के लिए। हो सकता है इन फ्यूचर मैं इन्वेस्ट करूँ उसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्लानिंग मेरा है नहीं। तो माफ़ी चाहूँगा अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो फेस कैम, अगर कोई जुगाड़ हो जाता है तो पक्का फेस कैम करूँगा, लेकिन अगर नहीं होता तो फेस कैम के बिना ही वो वीडियो होगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि गेम देखना आप लोग ज़्यादा पसंद करोगे बिना फेस कैम के भी, क्योंकि उस गेम के साथ एक ऐसा इमोशन जुड़ा है। तो अगला वीडियो उसी का मैं डालूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे कमेंट लिख दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।